वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. तो डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी. ऑलरेडी एन्युटी की कुछ क्लासेस हो चुकी हैं. आप पहले उन सभी क्लासेस को देखें जो बच्चे नए और फर्स्ट टाइम हमसे जुड़े, उसके बाद आज की क्लास आपको बेटर समझ में आएगी. जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को. एग्जाम्पल नंबर 59 जेके टुकराल बुक से हम फॉलो कर रहे हैं आपके सिलेबस को. क्वेश्चन है, एन इक्विपमेंट इज परचेज्ड ऑन अ इंस्टॉलमेंट बेसिस सच दैट द 5000 रुपीज इज टू बी पेड ऑन द साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब क्या है बच्चे, एक इक्विपमेंट है, आप उसको बाय कर रहे हो, तो आप बाय करते समय में स्टार्टिंग में ही 5000 रुपये उसको दे देते हो. तो इसको बेसिकली जो स्टार्टिंग में पेमेंट कर देते हैं ना, इसको डाउन पेमेंट बोलते हैं. तो डाउन पेमेंट आप जो है 5000 रुपीज कर रहे हो और कह रहे हो जी बाकी का पैसा है ना उसके ऐसा करो आप किस्त बना दो, आपने ऐसा कहा. तो उन्होंने कहा ठीक है जी. तो कॉन्ट्रैक्ट एंड द 4 ईयर इंस्टॉलमेंट. तो बच्चे जो इंस्टॉलमेंट है आर है, वो इंस्टॉलमेंट आपका बना दिया यहां पे 3000 रुपीज का, 3000 रुपए का इंस्टॉलमेंट बना दिया. ईच पेबल एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड द फोर्थ ईयर, हर साल के आखिरी में आप जाकर के 3000 रुपए आप दोगे. इफ द इंटरेस्ट इज द चार्ज एट द 5% पर एनम, आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है जो कि आई डेसिमल में ट्रांसफर होकर 0.05 हो जाएगा. व्हाट वुड बी द कैश डाउन प्राइस, इसका मतलब है कि देखो बच्चे, इसका मतलब यह है कि अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट पे नहीं लेते, कैश में लेते तो कितने का पड़ता है ये आपको. आपको पता है कि आप 3000 रुपये का जो किस्त दे रहे हैं उसमें ब्याज भी आप भर रहे हैं, और अगर आप उसको कैश में लेते तो वो इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना पड़ता. किस्तों में चीज़ें महंगी पड़ती है ना, अगर आप उसको कैश में लेंगे थोड़ा सस्ता पड़ जाता है क्योंकि उसमें ब्याज नहीं देना पड़ता आपको. तो वही कह रहा है कि अगर आप इसको कैश में लेते तो आपको कितने का पड़ता ये. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, इसका मतलब होता है कि आप हर इक्वल टाइम पीरियड के एंड में एक अमाउंट एक इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है. अगर उससे उन सब इंस्टॉलमेंट से अगर इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर दूं मैं तो वो कितना बनेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगा. मैंने एक एग्जांपल से अच्छे से क्लियर भी किया था आपको, उसको जरा देखिएगा एक बार. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं इसके इस इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं. तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला मैंने क्या दिया था आपको, प्रेजेंट वैल्यू के लिए बेसिकली पी ब्रैकेट आर ए और यहां पे आपका एन और फिर यहां पर आपका क्या था आई था. ठीक है बच्चे, प्रेजेंट वैल्यू का पूरा फॉर्मूला आप अगर आप लिखते हैं तो आपके पास पे आर ब्रैकेट 1 - 1 + i^(-n)(i) दिस वन. अब आप सॉल्व करते हैं तो p इक्वल्स टू r क्या है आपका 3000 है एंड 1 - 1 + i तो 1.05 एंड कितने ईयर की बात कर रहा है ये, n इक्वल्स टू एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर एंड 4 ईयर की बात कर रहा है. तो n इक्वल्स टू क्या है -4 / 0.05 दिस वन. आगे सॉल्व करेंगे इसको हम बच्चे, एंड पी इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल रहे हैं 3000 इंस्टॉलमेंट को, मतलब सभी इंस्टॉलमेंट में से आप इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर रहे हैं. तो 1 - 1 / क्योंकि पावर नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या होता है बेस उसका रेसिप्रोकल हो जाता है. ठीक है बच्चे, तो ये पावर आपका 4 हो जाएगा. और सॉल्व करेंगे अगर आप इसको तो आपके पास में क्या आएगा यहाँ पे नीचे 0.05. ठीक है, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आपके पास में ऑर्डिनरी एन्युटी इक्वल्स टू 1 - इसको सॉल्व करते हैं 1 / कैलकुलेटर. महाराज आपके पास में तो आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट लेने की जरूरत नहीं है, ये लिखा इनटू मल्टीप्लाई करा और आप इक्वल को तब तक प्रेस करोगे, यहाँ पे क्या है 4 है ना, तो यहाँ पे जब तक 5 लिखा हुआ नहीं आ जाए. तो देखो हाँ,
तो यहाँ 5 लिखा हुआ आ गया, 5 बार नहीं करना, यहाँ पे 5 लिखा हुआ आ जाएगा। तो कितना आपके पास पाए, 1.21550 अपॉन 0.05। सॉल्व करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 3000 एंड सॉल्व करेंगे 1 माइनस। अब आप यहाँ पर 1 अपॉन डिवाइड कर दो 1.21550, तो आपके पास पे क्या आया, 0.82 2706। ठीक है बच्चे, क्लियर है, अपॉन 0.05। सॉल्व करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 3000, 1 माइनस 0.82 2706, तो ये आपके पास में 0.177294 अपॉन 0.05, पी इक्वल्स टू 3000, जिसको डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय 0.05, तो आपके पास पाए 3.54588 एंड प्रेजेंट वैल्यू क्या आया आपको इनटू 3000, तो आपके पास पे आया 10637.64। ये तो इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकाला आपने, कि इंस्टॉलमेंट में से अगर आप इंटरेस्ट हटा देते सारे इंस्टॉलमेंट में से, तब भी आपको फिर इतना पे करना पड़ता और प्लस 5000 जो आपने स्टार्टिंग में पे करा, तो कुल कैश प्राइस के फॉर्म में कितना पे करना पड़ता आपको, वो जो 5000 पे करा ये तो पे करते ही करते आप एज अ कैश, और प्लस में जो इंस्टॉलमेंट आपका 416000 रुपये आपका बन रहा था, वो 16000 रुपये नहीं देने पड़ते, क्योंकि उसमें से आप ब्याज हटा दोगे जब प्रेजेंट में कैश पेमेंट करोगे। क्लियर है बच्चे, तो वो आपको 10000 पड़ता उस इंस्टॉलमेंट पे, 10637.64, तो कुल मिलाकर के 15637.64, वो इतने का कैश में आपको वो इक्विपमेंट्स पड़ता। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको, देख लीजिए एक बार, कोई डाउट है तो फिर पूछ लीजिए आप मुझसे। क्वेश्चन है आपका, मिस्टर एक्स पेड अ लोन इन 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, मतलब कि हर क्वार्टर में उसका एक इंस्टॉलमेंट जाता है, तो ऐसा उसने 8 क्वार्टर इंस्टॉलमेंट पे करा, प्रॉमिस करा कि मैं आपको 8 क्वार्टर में आपका लोन पे कर दूंगा। तो यहां पर एन इक्वल्स टू कितनी बार पेमेंट जा रहा है, 8 बार जा रहा है, ये समझ में आया पहले, यहां मुझे कन्वर्ट करने की नीड नहीं हुई, ऑलरेडी गिवन है कि 8 बार पेमेंट कर रहा हूं, और 5000 रुपीज ईच एंड आर इक्वल्स टू बच्चे क्या है, 5000 रुपीज है ईच एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर एंड द फाइनल पेमेंट 4000 रुपीज एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, 8 क्वार्टर के बाद नेक्स्ट क्वार्टर में। क्लियर है बच्चे, नेक्स्ट क्वार्टर में कौन सा हुआ, 8 के बाद, मतलब 9th क्वार्टर में उसने एक पेमेंट और करा, उसको कुछ पैसे रह गए थे तो 9वें क्वार्टर में 4000 देके उसको निपटा दिया। क्लियर है बच्चे, फाइंड द इनिशियल लोन टेकन इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12% है, और आप इस बात को जरा समझते हैं कि आपका जो है क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हो आप, तो क्वार्टरली पेमेंट का मतलब क्या होता है, आप पहले एम निकालोगे, एम मतलब क्या होता है, 12 तो फिक्स होता है, और कितने मंथ में पेमेंट जा रहा है, तो 3 मंथ में पेमेंट जा रहा है, 4, तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास में 12% है आपका, तो अपॉन में 4 इक्वल्स टू 3% होगा, और 3% मतलब 0.03, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पर एनम है ना, लिखा हुआ है इंटरेस्ट 12% पर एनम, ये तो सालाना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसको आप क्या करोगे, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप क्वार्टरली कन्वर्ट करोगे। क्वार्टरली कैसे कन्वर्ट होता है, रेट अपॉन में एम, तो एम कैसे निकलता है, 12 डिवाइडेड बाय जितने मंथ में पैसे दे रहे हो 4 है, तो आप रेट को 4 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास में क्या ये 3% आए, जिसको डेसिमल में अगर आप करते हो तो 0.03 है। क्लियर है बच्चे, आगे कहता है
कंपाउंड क्वार्टरली टोटल इंटरेस्ट ऑन द लोन, ठीक है, 12% पर एनम कंपाउंड क्वार्टरली, 12% पर एनम लिखा दिया, और कंपाउंडेड क्या हो रहा है, क्वार्टरली एंड द टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है. फाइंड द इनिशियल लोन टेकन फ्रॉम द रेट ऑफ, ये फाइंड करना है इनिशियल लोन, मतलब सब में से उसका ब्याज को निकाल करके बाहर कर देना है, क्योंकि जो आप किस्त भर रहे हो 5,000 की 8, इन सब में ब्याज शामिल है हर किस्त में. उसके बाद जो आप 4,000 दे रहे हो 9वें क्वार्टर में, ये भी ब्याज के साथ में दे रहे हो आप, इन सब से ब्याज हटाना पड़ेगा. तो सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ठीक है. वो कैसे निकालोगे आप, उसको जरा समझ लीजिए, उसको सीख लीजिए. एक तो आप सबसे पहले क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, आर ए दिस वन एन आई, और इसके साथ साथ में आप जो 9वां क्वार्टर गया है आपका उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे सर 9वें क्वार्टर की, क्योंकि वो एक अलग है. 9वें क्वार्टर की आपके प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो यहां पर आप क्या अप्लाई करोगे, ₹4,000 किसी भी एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो सिंपल है, 1+i-n, ठीक है बच्चे. तो यहां फॉर्मूले में आपका अप्लाई होगा, आप क्या दे रहे हैं, सबसे इंटरेस्ट एक्सक्लूड करना है आपको, ठीक है. तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, दोनों साइड बाय साइड करके सॉल्व करके ऐड कर देंगे, नहीं तो चलो साथ में कर लेते हैं. तो आपका इंस्टॉलमेंट क्या है, इंस्टॉलमेंट आपका 5,000 है, ठीक है, ब्रैकेट 1-1+i, आई क्या है आपका 0.03, और पावर क्या है आपका 1+0.03 एंड रेस्ट टू पावर क्या है आपके पास में 8, रेज टू पावर के आपके पास में 8 माइनस का होगा एंड अपॉन 0.03 दिस वन एंड प्लस चार हजार ब्रैकेट 1+0.03 रेज टू पावर -9, ठीक है बच्चे. इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, इसकी भी निकाल ली प्रेजेंट वैल्यू. इसकी 9 क्यों पावर यूज़ करा, क्योंकि ये 9 महीने बैक जाना है मुझे, ठीक है. और ये जब इक्वल इंस्टॉलमेंट होता है तो सीधा सारे इंस्टॉलमेंट में से इसका इंटरेस्ट एक्सक्लूड करता है. ये फॉर्मूला बड़ा कमाल का है. अब चलिए आगे की सॉल्व करने की प्रक्रिया को जारी करते हैं. 5,000 ब्रैकेट 1+1/, थोड़ा सा स्टेप्स को मैं रिमूव करके डायरेक्ट कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, एंड रेज टू पावर 8, छोटे मोटी चीज़ें कर रहा हूँ बस, ज़्यादा नहीं कि आपको समझ में नहीं आए, अपॉन 0.03 एंड प्लस 4,000 इंटू 1/1.03 रेज टू पावर 9, ठीक है. सॉल्व करते हैं, 5,000 1+1/, सॉल्व करते हैं इसको बच्चे, 1.03 इंटू, इक्वल प्रेस करना है जब तक यहाँ पे 9 नहीं आ जाए, 1.23 1.26677 अपॉन 0.03 प्लस 1 माइनस होता है बच्चे, हाँ हमने गलत लिखा मैंने, वन माइनस, ठीक है. 5,000 थोड़ा कलर अलग लेता हूँ, इसके साथ में मिक्स हो जाएगा ये, वन अपॉन 1.26677
0.78940 अपॉन 0.03 प्लस, यहाँ भी चल कंटिन्यू करता है उसको, प्लस 4000 अपॉन 1.03 इंटू 9 1.3047। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो 1 अपॉन 1.26677, तो ये आया, इसको हम 1 में से माइनस करना है, 1 माइनस 0.78940 इंटू डिवाइडेड बाय, पहले डिवाइड करेंगे 0.03 इंटू 5000, तो ये तो आया 35000, ये आया आपका 35100। और यहाँ सॉल्व करेंगे 4000 डिवाइडेड बाय 1.3047, तो ये आपका आया 3065.83। तो प्लस 3065.83 35100 38165.83। तो 38165 में आप इसको नगद देके खरीद सकते थे, जिसमें कि आपका पैसा खर्च हो रहा है 5 48 और 40 और ये 44000 रुपये जिसमें आपने खर्चा करा, वो आपका 38000 में ही आ जाता, 6000 बचा लेते अगर आप कैश में लेते तो। क्लियर है बच्चे, क्लियर है, समझ में आया? अब जरा इसको आप देखो, कोई डाउट